हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब जेड्डा। जैसे कि कल मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाया था, तो आज उसकी फर्दर यूटिलिटी देखेंगे, आज भी देखेंगे और कल की वीडियो में भी सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जस्ट टू लेट यू नो कि ये कितना फायदेमंद मेथड है। मतलब आधा रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर आपका सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। द मंथली इनकम्स ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो 2:3, एक रेशो मिल गई। फिर क्या कह रहा है, देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो 3:5, एक और रेशो मिल गई। हमारी कंडीशन क्या होती है, दो रेशोज होनी चाहिए, दो एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, तो दो रेशोज मिल गई। फिर क्या कह रहा है, इफ ईच सेव्स रुपीज 5000 पर मंथ, तो दोनों की सेविंग्स 5000 और 5000 होगी। अब बस वो फॉर्मेट बनाना है। तो बंदे कौन है, मोहित और प्रकाश। तो ये लो, यहां मोहित रख दो, यहां प्रकाश, यहां लिखो इनकम, यहां लिखो एक्सपेंडिचर और नीचे लिखो सेविंग्स। इनकम का रेशो लिखेंगे, विच इज गिवन टू बी 2:3। देन एक्सपेंडिचर का रेशो 3:5, और फिर सेविंग्स जो एक्चुअल वैल्यू दी है 5000। और एंड में क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ बोथ, दोनों की इनकम्स का सम बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, टू इंटू फाइव 10, 3 × 3 9, 10 में से 9 गए 1, पांच हजार इंटू 5 25,000, 3 × 5,000 15,000, 25,000 में से 15,000 के 10,000, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10,000। जैसे एक यूनिट निकल गया, फिर हम क्वेश्चन की डिमांड समझेंगे कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है सम ऑफ इनकम्स, तो जरा इनकम्स का सम अपने मुताबिक करना कितना बन रहा है। तो आप बोलोगे एक की मेरे को 2 दिख रही है, दूसरे की 3, यानी कि 5। अकॉर्डिंग टू मी सम इज 5, बट मैं जानता हूं कि एक यूनिट 10,000 के बराबर है, तो 5 यूनिट जो है वो 50,000 के बराबर हो जाएगा। 50,000 शुड बी द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी वो सम पूछेगा, कभी वो इंडिविजुअल इनकम्स पूछेगा। इंडिविजुअल इनकम्स पूछता तो इसकी होती 20,000 और इसकी होती 30,000, बट वो नहीं पूछिए, सम पूछा, हमने सीधा निकाल दिया 50,000। तो देख लो, इनकम एक्सपेंडिचर में भी वही अप्रोच लग रही है जो हमने कल की पढ़ी हुई है। तो ये ज्यादा मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। बस इसमें फर्क क्या है कि दोनों की सेविंग्स की वैल्यू अलग अलग है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता, तरीका सेम रहेगा। जल्दी से कर दो और अपना आंसर मैच कर लेना मेरे साथ। सेम फॉर्मेट, पवन और सुनील की बात हो रही है। सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, इनकम, देन एक्सपेंडिचर, देन सेविंग्स। इनकम का रेशो 4:3 का, एक्सपेंडिचर का रेशो 3:2 का, और सेविंग्स दी हैं 4,000 और 6,000। पवन की 4,000, दूसरे वाले की 6,000। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से करो। थ्री थ्री जा 9, 4 2 जा 8, 9 में से 8 के 1, 3 × 6,000 18,000, 4,000 × 2 8,000, 18,000 में से 8,000 के 10,000। इस बार क्या चाहिए, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर इनकम्स, फिर सम पूछ रहा है। तो भाई इस बार सम कितना दिख रहा है आपको, 7। तो अगर एक की वैल्यू 10,000 हो, तो 7 की वैल्यू 70,000 होती है। ये रहा 70,000, और करते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, जल्दी से बनाएंगे, अब तो देख के हो जाना चाहिए। सिर्फ जब एक चीज समझ आ जाए, फिर आपके पास स्पीड बढ़नी चाहिए उस पर। देखा, इनकम का रेशो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है, और दोनों की सेविंग्स दी हुई है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाएगा। तो बंदे हैं इस बार ए और बी, यहां इनकम, यहां एक्सपेंडिचर, सबसे नीचे सेविंग्स।
देखो कल को ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में सेविंग्स का रेशियो दे दे और एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे दे, तो उस बार सेविंग्स यहाँ कर देना, एक्सपेंडिचर यहाँ कर देना, ऐसे लकीर के फकीर नहीं बन जाना। इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5 और 7 का, एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है 9 और 11 का, और सेविंग्स हैं 1200 और 2000। नाइन सेवन ज़ा 63, 11 फाइव ज़ा 55, 63 में से 55 के 8, 1200 × 11, 12 × 11 132, 13200, और 9 × 2000 18000, 18000 में से 13200 के तो 4800, माइनस करके दिखा देता हूँ, 18000 में से माइनस करने हैं 13200, तो एंड में तो 2 0 आ ही जाएंगे, 10 में से 2 गे 8 और 17 में से 13 गे 4, यस 4800। तो 8 यूनिट की वैल्यू 48 हुआ है, तो मैं पूछूं एक की कितनी, तो आप बोलोगे 600, क्योंकि 8 के टेबल में 48 आता है, 6 बार काट दोगे। अब क्या चाहिए, देन फाइंड देयर इनकम्स, इंडिविजुअल इनकम्स, तो 5 की आ जाएगी 5 × 600, 7 की आ जाएगी 7 × 600, तो 5 × 600 इज 3000 एंड 7 × 600 इज 4200, तो 3000, 4200 विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपसे हो रहे होंगे और होने भी चाहिए, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, हल्का सा, जो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले पी एंड क्यू अर्न इन द रेशियो, यानी ये इनकम का रेशियो है, दिस स्पेंड इन द रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एंड सेव इन द रेशियो, यानी इस बार तीनों का क्या दे दिया, रेशियो दे दिया। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अभी तो नहीं लग सकता, यहां तक तो नहीं लग सकता। आगे देखते हैं, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ पी एंड क्यू टूगेदर इज 5000। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों की सेविंग्स का सम भी पता है, सेविंग्स का सम पता है और सेविंग्स की रेशियो भी पता है, मैं सेविंग्स निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले सेविंग्स निकालेंगे। देखो लास्ट लाइन का क्या मतलब है, टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ पी एंड क्यू टुगेदर इज 5000, यानी पी और क्यू की कंबाइंड सेविंग्स जो है वो 5000 है, और क्वेश्चन में इनकी सेविंग्स का रेशियो भी पता है 4:1। किसका रेशियो है, सेविंग्स का ही रेशियो है। तो क्या आप 5000 को 4:1 के रेशियो में नहीं स्प्लिट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। एक और तरीका होता है कि आप बोलोगे ये मुझे सेविंग्स कितनी दिख रही है, 5, पी अगर 4 रुपए सेव कर रहा है, क्यू अगर 1 रुपया सेव कर रहा है, तो कुल मिलाकर आपको सेविंग्स कितनी दिख रही है, 5, जबकि एक्चुअल में कितनी है, 5000, कितने गुना, 1000 गुना, तो हर वैल्यू को 1000 गुना कर दो, तो आप बोलोगे कि ये 4 नहीं होगा, ये 4000 होगा, और ये 1 नहीं होगा, ये 1000 होगा। अब देख लो, होगी 4000 और 1000 की, नहीं अब क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। तो कभी कभी वो क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन करता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, इनकम का तो रेशियो ही चाहिए, वो दिया हुआ है 2:1 का, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो चाहिए, वो 5:3 का दिया हुआ है, बट हमें सेविंग्स का रेशियो नहीं चाहिए होता, हमें सेविंग्स की वैल्यू चाहिए होती है, वो हमने निकाल ली 4000 और 1000। वापिस वही 2 3 6, 5 1 5, 6 में से 5 के 1, और नीचे बन गया 3 चौक 12000, 5 × 1000 5000, 12000 में से 5000 के 7000। तो जब 1 की वैल्यू निकल चुकी है, तो 1 तो हमारा 7000 के बराबर ही रहेगा, और हमारा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 14000 के। तो 14000, 7000 पहला ऑप्शन। बस इसमें एक ही काम हमने करना था कि हमने पहले सेविंग्स दोनों की निकालनी थी, जो हमने इसकी मदद से निकाल ली, 5000 भी पता था, रेशियो भी पता था 4:1। तो हमने देखा कि पी और क्यू की कंबाइंड सेविंग्स हमारे मुताबिक कितनी बन रही थी, 5, और क्वेश्चन के मुताबिक कितनी बन रही थी, 5000, कितने टाइम्स करके, 1000 टाइम्स करके, तो हमने 4 को भी 1000 टाइम्स किया तो 4000 बन गया, 1 को भी 1000 टाइम्स किया तो 1000 बन गया। कल मैंने टाइम लिया था, आज मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, स्पीड में चलेगा सब कुछ, क्योंकि
क्योंकि वही मेथड है, कुछ नया नहीं है। देखो मिल्क वाटर में भी लगेगा, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:5। फिर मैंने 14 लीटर वाटर ऐड किया तो रेशियो ये बन गया। तो बताओ स्टार्टिंग में दूध कितना था, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 लिख देंगे। ये रेशियो बाद में क्या बन गया, 1:3। ठीक है, क्या मैंने क्वेश्चन में दूध में कोई चेंज लाया, तो आप बोलोगे नहीं, आपने सिर्फ 14 लीटर पानी ऐड किया है। तो 14 लीटर तो पानी ऐड किया, दूध में कोई चेंज नहीं लाया, कोई चेंज को क्या बोलते हैं, जीरो। तो आपको क्वेश्चन में बेशक दो वैल्यूज नहीं गिवन थी, बट स्टिल अगर एक वैल्यू गिवन है दूसरी नहीं पता तो दूसरी ऑब्वियसली जीरो होगी, क्योंकि उसमें हमने कोई बदलाव ही नहीं किया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 5 1 5, 6 में से 5 के 1, 1 इंटू 14 14, 3 इंटू 0 0, 14 में से 0 के 14, 1 की वैल्यू आ गई 14। हमें क्या चाहिए, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 1 की वैल्यू 14 हो तो 2 की वैल्यू 28 नहीं होगी, तो 28 शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो दो रेशोस चाहिए, दो वैल्यूज चाहिए, ये बार बार अपने दिमाग में बिठा लो कि दो रेशो दो वैल्यू दिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। बेशक यहाँ वैल्यू एक दिख रही है, बट इतने समझदार तो आप हो कि अगर मैं 14 लीटर सिर्फ पानी डाल रहा हूं तो आई एम नॉट चेंजिंग मिल्क, एंड नो चेंजेस नोन एज जीरो। रेशो इज गिवन, वी आर एडिंग 5 लीटर्स मिल्क एंड 5 लीटर्स वाटर, एंड रेशो इज बिकमिंग 3:4। सेम अप्रोच, मिल्क वाटर क्या रेशो है, 5:7 का। ये रेशो बाद में क्या बन गया, ये रेशो बाद में बन गया 3:4 का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 5 लीटर मिल्क ऐड किया था और 5 लीटर पानी ऐड किया था। क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे आप, इफ वी एड 5 लीटर्स मिल्क एंड 5 लीटर्स वाटर, तो इस बार दोनों कंपोनेंट्स में चेंज हो रही है, तो दोनों में कर दी। 5 4 20, 7 3 21, 21 में से 20 गए 1, 3 5 15, 5 4 20, 20 में से 15 गए 5, 1 की वैल्यू 5, हमें क्या चाहिए, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हेयर इट इज। तो 1 की पता है 5 की चाहिए, तो 5 गुना करेंगे, 1 की पता है 5 की चाहिए तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी करो, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 25। साथ के पूछेगा वो भी बता देंगे 35। पूछेगा पहले मिक्सचर कितना था वो भी बता देंगे, भाई मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है मिल्क प्लस वाटर। तो अगर 25 मिल्क था और 35 दूध था तो मिक्सचर कितना था, 60 लीटर। हम मिक्सचर भी बता सकते हैं लेकिन नहीं पूछा हुआ, आपसे सिर्फ दूध पूछा है, दूध कितना, 25 सी ऑप्शन। जब एक यूनिट की वैल्यू पता चल चुकी है तो यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। सेम क्वेश्चन सेम अप्रोच, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज गिवन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 3 लीटर्स वाटर, और मिल्क में हम कोई चेंज नहीं ला रहे तो वहां जीरो लिख देना। रेशियो बन गया 5:7 का, मिल्क वाटर 2:3 का रेशो था, ये रेशो बन गया 5:7 का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3 लीटर्स पानी में चेंज हुई, तो पानी की जगह 3, दूध की जगह 0। फाइव थ्री जा 15, 2 7 जा 14, 15 में से 14 के 1, और 5 3 जा 15, 7 0 से 0, 15 में से 0 के 15। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15, हमें क्या पूछा है, फिर से इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा है, तो 2 की चाहिए, 1 की 15 हो तो 2 की 30 होती है, तो 30 लीटर शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखो कितनी आसानी से हो रहे हैं, मतलब एक टाइप का ही आपका प्रैक्टिस सेशन ही हो रहा है, कि जो कल का पढ़ा हुआ है वो आज इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस चीज, बट धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, और इसी क्वेश्चन में लेवल बढ़ गया। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और इसका आंसर आपने पक्का गलत निकालना है, जल्दी से ट्राई करो, एंड आई एम 100% श्योर कि आप ये क्वेश्चन गलत करोगे, बड़े से बड़ा खिलाड़ी इस क्वेश्चन को गलत करेगा, इसलिए एक ट्राई जरूर मारो और वो गलती करो, क्योंकि वो गलती करोगे तो फिर ही सीखोगे।
और जो आपने गलती करनी है वो ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो जल्दी से बताना कि वो गलती हुई या नहीं हुई आपसे, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे वो गलती होगी, तो लिख के चलोगे आपसे ये 100% क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। वीडियो पॉज करके ट्राई मारनी है, ठीक है, ये मत सोचना कि गलत होना ही है तो हम क्यों ट्राई करें, ट्राई करनी है, वो गलती करनी है, और वो ऑप्शन आपका बनेगा देखना, तभी तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन वाला कितना चालाक होता है। ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द सक्सेस टू फेलियर रेशो वॉज दिस, फिर क्या हुआ, हैड द नंबर ऑफ फेलियर्स बीन 14 मोर, अगर 14 लोग जो है वो ज्यादा फेल हो तो फिर सक्सेस और फेलियर का रेशियो क्या बनेगा, फिर बनेगा 9:5 का, पहले कितना था 5:2 का, चेंज क्या हुआ कि 14 लोग जो है वो ज्यादा फेल हो रहे हैं, 14 पीपल आर फेलिंग मोर, एंड में क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, अपीयर्ड यानी बिगिनिंग वाले, तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग बनता है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी हो, तो वो फेलियर की दी है तो आप सक्सेस और फेलियर पे बना सकते हो। क्या रेशो था पहले 5:2 का, ये बाद में कितना बन गया 9:5 का। अभी आपने मेरे से मिल्क वाटर वाले क्वेश्चन सीखे ना, तो आपने यहाँ पे वही वाला लॉजिक लगा देना है, आपने कहना है कि भाई यहाँ पे फेलियर ही ज्यादा 14 ज्यादा है, तो फेलियर में आप 14 लिख दोगे और बोलोगे सक्सेसफुल वाले में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ 0 डाल दोगे, ऐसा ही करोगे, एंड यही सबसे बड़ा ब्लंडर है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये हो गया खत्म यहीं पे क्वेश्चन। जैसे आपने यहाँ 0 और वहां 14 पुट किया तो वही गलती कर दी आपने, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर देखना क्या बनेगा, मैं वो भी बना के देता हूँ गलत वाला। आपने क्या कर देना, 5 5 25, 9 2 18, 25 में से 18 के आपका बचेगा 7, और फिर आप करोगे 14 9 126, 5 0 0, 126 में से 0 के 126, तो 7 यूनिट की वैल्यू 126 आ गई। आपसे पूछा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, भाई अपीयर्ड होते हैं सक्सेसफुल प्लस फेलियर्स, उतने लोग तो पेपर देते हैं उसी में से पास होते हैं उसी में से फेल होते हैं, मैं पूछूंगा अपीयर्ड कितने, आप बोलोगे 7, मैं पूछूंगा नीचे अपीयर्ड कितने, आप बोलोगे 14, 9 और 5 14, 5 और 2 7, तो आपको ऊपर अपीयर्ड कितने दिख रहे हैं 7, और आपको 7 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है 126, तो आप 126 टिक कर दोगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही गलत है। अब मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई, गलती यही हुई कि यहाँ पे जो हमने 0 लिख दिया, अब बताता हूँ ये 0 क्यों नहीं होगा। मैं पूछूं कोई नया कैंडिडेट ऐड हुआ तो आप बोलोगे नहीं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर सेम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वेश्चन में नहीं बदले, वो अभी भी सेम है। देखो सिर्फ फेल होने वाले 14 बढ़ गए, फेल होने वाले बढ़ गए, ऐसा नहीं हुआ कि कोई नया कैंडिडेट भी पेपर देने आया, तो खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 14 लोग ज्यादा फेल हुए दैट मीन्स 14 लोग कम सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल में भी तो चेंज हुआ। मान लो मेरे पास है 50 लोग जो पेपर दे रहे हैं, और इसमें पहले मान लो 26 पास हो रहे थे और 24 फेल हो रहे थे, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर सेम, दैट मीन्स अगेन 50, और मैं बोल रहा हूँ कि फेल होने वाले कितने बढ़ गए 14 बढ़ गए, तो यार फेल होने वाले 14 बढ़ गए तो 38 हो गए, तो क्या पास होने वाले 14 कम नहीं होंगे, वो आपने किए ही नहीं। जब फेलियर्स 14 ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल आर ऑल्सो 14 लेस, विच इज वेरी अंडरस्टूड, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं समझ आता कई बार। खुद देखो ये 14 से बड़ा, नो डाउट बड़ा ये 14 से, लेकिन ये 14 से कम भी तो हुआ जो आपने क्वेश्चन में किया ही नहीं, तो सबसे बड़ी गलती यही थी जो नहीं समझ आती कई बार। मेरा काम ही यही है कि आपको बताना कि कहाँ गलत जा सकते हो आप, तो इसको स्टार मार्क करो, इस क्वेश्चन में गलती लगती है, हमें भी लगी थी तभी पता है कि ऐसा नहीं करना। 5:2, सेकेंड रेशियो इज 9:5, अब यहां क्या लिखना है, फेलियर्स बढ़ चुके हैं, यानी यहां पे कम लोग फेल हुए थे, यहां पे ज्यादा लोग फेल हुए, मतलब ऊपर अगर 10 लोग फेल हुए हैं तो नीचे 24 लोग फेल हुए हैं, मेरे को नहीं पता ऊपर कितने हुए हैं, मेरे को जानना भी नहीं है, लेकिन इतनी बात आपको समझनी है कि ये वाला नंबर बड़ा है क्योंकि यहां पे फेल होने वाले बंदे ज्यादा हैं, ऊपर कम थे फेल होने वाले। मुझे खुद बताओ ऊपर वाले में से तो नीचे वाला माइनस करते हैं हम, खुद सोचो, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था इनकम एक्सपेंडिचर फिर सेविंग्स, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता तभी तो सेविंग्स निकलती है, यानी कि हम इसमें से ये माइनस कर रहे होते हैं, फिर जो नीचे लिख रहे होते हैं वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, जो आपको अभी तक नहीं पता था,
मैंने खुद ही नहीं बताया आपको अभी तक ये कि क्रॉस प्रोडक्ट में हो क्या रहा है, इन दोनों का डिफरेंस होके ये वाली चीज बन रही होती है, याद करो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। तो मैं बोल रहा हूं कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब उसमें से ये माइनस करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, ये तो खैर देखने में भी बड़ा है लेकिन रेशो में धोखा नहीं खाना। तो आप बोलोगे कि यहां पे फेल होने वाले लेट से 10 लोग हैं और नीचे खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14 लोग ज्यादा फेल हुए, यानी यहां पे 24 लोग फेल हुए। तो मैं आपसे पूछूं कि 10 में से 24 माइनस करोगे तो क्या 14 लिखोगे? बिल्कुल नहीं ना, -14 लिखोगे। जब जब ये वाला नंबर बड़ा होगा तो नीचे आंसर नेगेटिव रहेगा। अब आप मान चुके थे कि फेल होने वाले अगर ज्यादा हो तो सक्सेसफुल वाले उतने ही कम करने पड़ते हैं, तो अगर वो 14 बड़े हैं तो वो वालों में 14 की कमी आ चुकी होगी। मान लो अगर यहाँ पे 50 लोग सक्सेसफुल हो रहे थे तो अब नीचे 50 नहीं हो रहे, नीचे 14 कम हो रहे हैं, दैट इज 36। अब मैं पूछूं कि 50 में से 36 निकालोगे तो पॉजिटिव 14 आएगा कि नेगेटिव? यू विल से पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का 14 आएगा। बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, क्रॉस प्रोडक्ट इतना भी हलवा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। सक्सेस फेलियर रेशियो 5:2 का, ये रेशियो बाद में बन गया 9:5 का। समझने वाली बात यही थी कि यहां माइनस की साइन क्यों आ रही है और यहां क्यों नहीं आ रही। देखो फर्क तो दोनों में 14 का ही पड़ा है, लेकिन एक 14 से बढ़ गया दूसरा 14 से कम हो गया। कल भी बताया था मैंने कि एक फैक्टर अगर मोर में होगा दूसरा फैक्टर अगर लेस में होगा तो फिर नीचे साइन मैटर करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने और भी लिए हैं जिससे आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि कहाँ प्लस लगाना कहाँ माइनस लगाना, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेलियर्स वर मोर मतलब कि ये वाले नंबर फेलियर्स ज्यादा है, तो जब नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो आपको याद रखना है कि ये इसमें से ये माइनस करके ये चीज बनी है, तो उसमें से ये माइनस हुआ तो प्लस का 14 नहीं आ सकता। माइनस का 14 आ गया तो यहाँ प्लस का 14 आ गया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट अवर आंसर। 5 5 25, 9 2 18, 25 में से 18 गया 7, 14 5 70 माइनस माइनस 14 × 9 -126। देखो करना तो डिफरेंस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू कौन है? बड़ी वैल्यू है 14 × 5 70, 9 × -14 बड़ी वैल्यू नहीं है। नेगेटिव नंबर कभी बड़ा नहीं होता पॉजिटिव से। इफ आई विल आस्क कि -126 बड़ा है कि 70 बड़ा है, तो वेरी क्लियर कि 70 बड़ा है। तो यहां धोखा लग सकता है आपको, क्या आप ये माइनस की साइन इग्नोर करना शुरू कर दो? आप नहीं कर सकते इसको इग्नोर, इसलिए मैंने 70 में से -126 माइनस किए जो कि प्लस हो जाएंगे। तो 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70 + 126, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 196, और आपको चाहिए भी 7 की ही है क्योंकि अपीयर्ड कितने होते हैं? अपीयर्ड होते हैं सक्सेस प्लस फेलियर, तो 196 इज योर आंसर। फिर से करता हूं साफ सुथरा, ये क्वेश्चन समझ गए तो आप अगले 2 क्वेश्चन खुद ही कर पाओगे। सक्सेसफुल फेलियर रेशियो वॉज 5:2, दैट रेशियो बिकेम 9:5, फेलियर्स आर मोर तो -14, सक्सेसफुल पीपल आर लेस तो +14। अब क्या करना है? अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 9 2 18, 25 में से 18 के 7। अब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? वहां गलती लग सकती है क्योंकि जो अब ये सॉल्व हो रहा है ना यहां पक्का गलती लग सकती है। तो क्या करना है? पहले इन दोनों में से बड़ी वैल्यू सोचनी है। देखो जब आप 9 को -14 से करोगे तो आपका आएगा -126, और जब आप 14 को 5 से करोगे तो आपका आएगा 70। तो यार बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट में यही तो करता हूँ। 5 5 से 25, 9 2 18, तो क्या मैं 18 में से 25 माइनस कर रहा हूँ? नहीं ना, मैं 25 में से 18 माइनस कर रहा हूँ, तभी तो 7 लिख रहा हूँ। तो आपको भी यहाँ बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? इन दोनों में से बड़ा नंबर है 70, तो 70 में से -126 माइनस होंगे, 70 में से -126 माइनस होंगे, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -(-) प्लस होता है, ये बन जाएगा 196। 7 यूनिट की वैल्यू 196 आ गई। आपसे पूछे हैं द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, अपीयर्ड होते हैं सक्सेसफुल प्लस फेलियर, भाई उतने ही लोग पेपर देते हैं जितने पास प्लस फेल का सम होता है। मैं बोलो 12 लोग पास हो गए, 7 लोग फेल हो गए, कितने लोगों ने पेपर दिया? आप बोलोगे 19। तो अपीयर्ड पूछा हो तो दोनों को ऐड करना होता है, तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आई गॉट 7, यानी मुझे 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए और 7 यूनिट की वैल्यू 196 आ चुकी है। 196 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लिया ऐसा सिमिलर, अच्छे से सीखेंगे इस चीज को, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है।
ये वाला इजी है, ये वाला बाद में करते हैं, पहले टेंथ देखो, फिर आता हूँ मैं वापिस। हाँ जिनको समझ आ गया वो कोशिश कर सकते हैं, जिनको नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे इस चीज को। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एक मोर एक लेस, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। यानी आपको पास फेल का रेशियो दिया हुआ है, पहले क्या दिया है 25:4 का। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इफ फाइव मोर हैड अपियर्ड, अपियर्ड वाले कितने ज्यादा होते हैं 5, एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स वर 2 लेस देन अर्लियर, फेल होने वाले लोग 2 क्या होते कम। तो एक फैक्टर जब ज्यादा दूसरा फैक्टर जब कम, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं अभी सिखाऊंगा। और ऐसा होने से हुआ क्या, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड टू द स्टूडेंट्स हु फेल्ड, ये बन जाएगी रेशियो बदल के क्या बन गई 22:3 की। तो आपसे पूछ रहा स्टार्टिंग वाले अपियर्ड वाले बताओ, सबसे पहले ये याद रखो कि किन कंपोनेंट्स में बदलाव हुआ है, किन कंपोनेंट्स में बदलाव हुआ है अपीयर्ड और फेल्ड में। तो अपना सारा क्वेश्चन किसके बेसिस पे बनेगा, अपीयर्ड और फेल्ड के। तो मुझे रेशो किस किस की चाहिए, अपीयर्ड और फेल्ड की। पहले तो रेशो चेंज करो, अपीयर्ड और फेल्ड का रेशो चाहिए आपको। मैं पूछूं यहाँ अपीयर्ड कितने हैं, आप बोलोगे 29। मैं पूछूं नीचे अपीयर्ड कितने हैं, आप बोलोगे 25। भाई अपीयर्ड कैसे निकालते हैं, पास प्लस फेल करके। दोनों केसेस में आपने अपीयर्ड निकाल लिए, मुझे रेशियो चाहिए अपीयर्ड और फेल्ड का। तो फर्स्ट केस में अगर 29 लोग अपीयर हुए तो फेल कितने हुए 4, तो अपीयर्ड और फेल्ड का रेशियो बन गया 29:4। अगले केस में अपीयर्ड और फेल्ड का रेशियो बन गया 25:3। अब आया मेन काम कि नीचे वैल्यूज क्या लिखें, तो देखो कैसे लिखनी है। आप अपीयर्ड वाले लोग बढ़ चुके हैं, अपीयर्ड वाले लोग 5 ज्यादा हैं, यानी ये वाला नंबर बड़ा है। हमेशा ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज कम हो गई है। मैं कह रहा हूं अपीयर्ड वाले लोग बढ़ गए, यहां जितने भी थे नीचे वाले केस में उससे ज्यादा आ रहे हैं, कितने ज्यादा आ रहे हैं 5। तो ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, -5 आएगा। रीजन बीइंग कि अगर यहां पे 100 लोग पेपर दे रहे हैं तो नीचे 105 लोग पेपर दे रहे हैं, तो 100 में से 105 माइनस करो तो -5 आएगा। और फेलियर्स कितने कम करने हैं 2, यानी अगर यहाँ 50 लोग फेल हो रहे थे तो यहाँ 2 कम होंगे मतलब 48, तो 50 में से 48 गए तो प्लस का 2 आएगा। जो फैक्टर कम हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो फैक्टर बढ़ रहा है ना तो वो नेगेटिव में आएगा यहाँ पे हमेशा। ऐसे रटा मारना तो मार सकते हो कि अगर जो मोर में लिखा हुआ है वो नेगेटिव में रखना है और जो लेस में लिखा हुआ है वो पॉजिटिव में रखना है। लेकिन अगर समझ थोड़ी है तो ऐसे सीधा भी पता चल रहा है कि अगर अपीयर्ड वाले बढ़ गए तो यानी कि नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया, तो ऊपर वाला तो छोटा है, छोटे में से बड़ा माइनस करो तो पॉजिटिव आंसर नहीं आता, तो ये डेफिनेटली -5 आना है। अब मेरे को जगह चाहिए तो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा मिटा के। क्वेश्चन किस पे बना, अपीयर्ड और फेल्ड पे। पहले केस में अपीयर्ड कितने थे 29 और फेलियर्स कितने थे 4, दूसरे केस में अपीयर्ड कितने हैं 25 और फेलियर्स कितने हैं 3। अपीयर्ड 5 बढ़ गए तो -5, फेलियर्स 2 कम हो गए तो ओनली 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और जल्दी से आंसर निकालो। 25 चौक 100, 29 × 3 = 87, 100 में से 87 गए 13। अब नीचे 25 × 50 -5 × 3 - 15, 50 - -15, देखो 25 × 2 = 50, -5 × 3 - 15, तो 50 - -15 दैट इज 13 यूनिट की वैल्यू आ गई। 50 + 15 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 65, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। एक यूनिट की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब वो क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, यानी इसकी वैल्यू चाहिए। जब एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है फिर जिस मर्जी की पूछ ले वो 29 की पूछ रहा है, तो भाई एक की 5 है तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 145 इज योर आंसर। है ऑप्शन में, यस। थोड़ा सा इसमें एफर्ट ज्यादा हो जाता है जब एक फैक्टर आपका मोर में हो और दूसरा फैक्टर आपका लेस में हो, लेकिन अब से गलती नहीं होगी, मोर वाला नेगेटिव लेस वाला पॉजिटिव। अब अगला क्वेश्चन आपने देख के कर लेना।
रिपीट करूं? कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। इतना समझ आया कि ये क्वेश्चन अपीयर्ड और फेल्ड में क्यों बन रहा है? इस वजह से, बिकॉज यहां बात किनकी हो रही है, अपीयर्ड की और फेलियर्स की, जिनका नंबर दिया होता है ना क्वेश्चन उन पे बनता है, तो अपीयर्ड और फेल्ड पे बनेगा। लिख दिया हमने अपीयर्ड और फेल्ड। अब अपीयर्ड और फेल्ड का रेशो क्वेश्चन में तो है ही नहीं, क्वेश्चन में आपके पास किसका रेशो है, पास और फेल का, तो मेरे को अपीयर और फेल का बनाना पड़ेगा। तो देखो, अगर 25 लोग पास हुए और 4 लोग फेल हुए, दैट मीन्स 29 लोग अपीयर हुए थे, तो यहां 29 आ जाएगा, और फेलियर्स तो 4 ही हैं, तो वो 4 ही रहेंगे। अगले सिनेरियो में आ जाओ, तो 22 लोग पास हुए और 3 लोग फेल हुए, तो 25 ने पेपर दिया था, जिसमें से फेल तो ऑब्वियसली 3 ही हुए। यहां फिर वैल्यूज डालनी होती हैं, तो मैंने कहा जो मोर में होगा वो नेगेटिव, तो 5 के आगे क्या लिखा है, मोर, तो -5। 2 के आगे क्या लिखा है, लेस, तो प्लस का 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 गुना 4 100, 29 गुना 3 87, 100 और 87 का डिफरेंस आ गया 13। मैं पूरा लिख देता हूँ, 100 माइनस 87 किया हमने, जो कि आ गया 13। अब नीचे वालों का भी करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 25 इंटू 2 50, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, उनका डिफरेंस लेना है, तो 50 और माइनस 15 का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 13 की वैल्यू 50 प्लस 15, यानी 13 की वैल्यू 65, तो 1 की वैल्यू 5। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, फिर उसको चाहिए अपीयर्ड वाले, तो भाई 29 की वैल्यू मांग रहा है, तो 29 गुना 5 145। गलती लगने का स्कोप यही है कि हम ये माइनस की साइन स्किप कर जाएं, हमें खुद से भी माइनस करना होता है और एक माइनस क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है, तो 50 माइनस माइनस 15, दैट इज 50 प्लस 15 विद इज 65, तो 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 5। अब अगला क्वेश्चन देखना, खुद ही हो जाएगा आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज की है मैंने, तो कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए हो बात तो कर लोगे। जल्दी से एक ट्राई खुद से कीजिए, और एक प्रकार का आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, बट मैं सोल्यूशन अभी ही दे दूंगा। आप तो इसको घर जाके बनाओ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो, फोटो खींच लो जो मर्जी, और घर जाके इसको बनाओ। बाकी लोग देखो इसको, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड, यानी ये पास फेल का रेशो है। फिर अगर 35 लोग कम अपीयर हुए होते और फेल जो है वो 9 ज्यादा हुए होते, 35 कम 9 ज्यादा, 35 लोग कम पेपर देंगे, 9 लोग ज्यादा फेल होंगे, यानी क्वेश्चन किस पे बनेगा, अपीयर्ड और फेल्ड पे। मैं पूछूं फर्स्ट केस में अपीयर्ड कितने हैं, आप बोलोगे 5, फेल कितने हो गए उसमें से 1। अगले केस में अपीयर्ड और फेल्ड का रेशो यहां से बना लेंगे भाई, अपीयर्ड कितने हैं 3, फेल कितने हुए 1, और 35 लोग कम अपीयर करवाने थे, तो लेस वाला तो सीधा लिखना होता है 35, और फेल जो है वो 9 ज्यादा करवाने थे, तो -9। अब नहीं मैं समझा रहा नेगेटिव साइन क्यों आ रही है, क्यों नहीं, इतना नहीं होता है। फाइव वन जा फाइव, थ्री वन जा थ्री, 5 में से 3 के 2, थर्टी फाइव इंटू 1 35, 3 इंटू -9 -27, 35 माइनस -27, 35 माइनस -27, ये माइनस भाई खुद से आ रहा है, ये मैं नहीं ला रहा हूं ये वाला, और वो वाला तो मुझे डालना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस करना होता है, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 35 प्लस 27, That is 2 की वैल्यू आ जाएगी 62, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 31। जब 1 की वैल्यू आ गई तो फिर तो कुछ मसला ही नहीं है, अपीयर्ड पूछा था, ये 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 गुना 31, 5 एकम 5, 5 त्रिया 15, 155 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो
अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे क्वेश्चनों में लगा पा रहे हो तो यू आर डूइंग वेरी वेल, क्योंकि यही है सच में एग्जाम लेवल क्वेश्चन जिसमें वो आपको फंसा सकता है। वरना वो मिल्क वाटर वाला क्वेश्चन हो गया या इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो गया, वो तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। अब मैंने ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो सिंपल ही है। ये भी आप समझ लो कि होमवर्क क्वेश्चन है, ये मजे से हो जाएगा, बट स्टिल पॉज करके एक इसको एफर्ट करना है और बस आंसर वेरीफाई कर लो इमीडिएटली। इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर्स वॉज 3:31 बिफोर बैटल। लड़ाई होने से पहले ऑफिसर्स और सोल्जर्स का रेशियो ये था। फिर क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू हो गई तो हमारे 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स मारे गए। 6 ऑफिसर्स और 22 सोल्जर्स दोनों मारे गए। जब मारे गए तो उनकी क्वांटिटी बड़ी की घटी, दोनों की घटी है ना, तो दोनों की घटी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों की बड़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों घटे तब भी साइन नहीं डालनी, दोनों बढ़े तब भी कोई साइन नहीं डालनी, साइन सिर्फ तभी डालनी है जब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई माइनस की साइन नहीं डालोगे आप। तो क्वेश्चन बनना है ऑफिसर्स पे और सोल्जर्स पे। तो भाई स्टार्टिंग में रेशो क्या था, 3:31, ये रेशो बाद में कितना बन गया, 1:13। ऐसा कब हुआ, जब हमारे कितने ऑफिसर्स मारे गए, 6, और कितने सोल्जर्स मारे गए, 22। बस ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 1:31, 31, 13 3 39, 39 में से 31 के 8, 1:22, 22, 6:13, 78, 78 में से 22 गए 56। अगर आपको 8 का टेबल आता तो काट सकते हो, 8 1s 8 7s, एक यूनिट की वैल्यू होगी 7। इसको क्या चाहिए, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल, यानी इसकी वैल्यू चाहिए इसको, क्योंकि बिफोर बैटल वाले हैं ऊपर वाले। तो एक की वैल्यू 7 है तो 3 की चाहिए, तो भैया 21 आ जाएगी, पर 21 ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा। अगर वो आपसे सोल्जर भी पूछ ले तो एक की वैल्यू 7 है, आप 31 की निकाल देना, 31 गुना 7 करके, तो 7 × 7 = 21, 217 आ जाएगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट खत्म नहीं हुआ, कल एजिस वाले क्वेश्चन में लगा के दूंगा, जो आप किसी और तरीके से करते होंगे, मैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट से करके दूंगा, कोई तरीका और इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ, एक और तरीके से वो क्वेश्चन हो जाते हैं, वो तरीका भी समझाऊंगा, और फिर आप डिसाइड कर लेना कौन सा चूज करना। मेरे मुताबिक एक ही मेथड पे स्टिक करना चाहिए और उसी मेथड की यूटिलिटी बढ़ाते रहना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन इट्स गुड बाय। अपने डाउट्स जरूर कमेंट सेक्शन में लिखा करो, एक क्वेश्चन टाइप करने में क्या जाता है आपका, जो क्वेश्चन नहीं निकले घर पे कमेंट्स में टाइप करो, आपको अगले दिन उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा।